क्या आपने कभी सफेद मगरमच्छ देखा है? क्या कभी चमकने वाली बिल्ली के बारे में सुना है? ये दुनिया अनोखे चमत्कारों से भरी पड़ी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों की दुनिया और उनकी जिंदगी में भी ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें देखने पर आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब तक ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जानवर इस धरती पर पैदा हो चुके हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम नेचर के ऐसे 15 चमत्कारों के बारे में बात करने वाले हैं जो हजारों सालों में एक बार होते हैं और जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। नंबर 1, टू लेगेड डॉग। अब ये दो पैरों वाला चमत्कार देखिए। कभी किसी कुत्ते को दो पैरों पर दौड़ते हुए देखा है? इसका नाम है ड्यूस। इस बेचारे को किसी ने खाई में फेंक दिया था। एक आदमी ने इसे बचाया और इसका इलाज करवाया, मगर ड्यूस ने अपनी दो टांगे हमेशा के लिए खो दी। मगर इससे उसकी जीने की उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल आम कुत्तों की तरह भागा दौड़ी करता था और खूब मस्ती करता था। इसी तरह फैत नाम की इस कुतिया की भी केवल 3 टांगे थी, जिसमें से भी एक टांग हटानी पड़ी थी और फैत के पास केवल 2 ही टांगे बच गई थी। मगर फैत की मालकिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत के साथ इसे ट्रेनिंग दी और तैयार किया कि वो अपने पिछले पैरों पर आराम से चल सके। बाद में तो फैत सिर्फ चलती ही नहीं थी बल्कि उछलती कूदती भी थी। फैत ने दो पैरों के सहारे भी अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है। और भी बहुत से जानवर होते हैं जो इतने स्पेशल और यूनिक होते हैं। नंबर 2, ग्लोइंग कैट। अब आपको दिखाता हूँ चमकने वाला बिल्ली। बिल्ली की आंखें रात में चमकती है, ये तो हम सभी जानते हैं, मगर बिल्ली की पूरी बॉडी चमकने लगे ये तो कोई चमत्कार ही लगेगा ना। दरअसल ये चमकने वाली बिल्ली साइंटिस्ट की निगरानी में रहती है और इन पर कोई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उसके बाद से ही ये इस तरह से अंधेरे में चमकने लगी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस बार ये चमत्कार नेचर का नहीं बल्कि इंसान का किया हुआ है। नंबर 3, गोल्डन सी हॉर्सेस। आप इस चमकते हुए सोने के सी हॉर्स को देखिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये गोल्डन कलर का सी हॉर्स नहीं है बल्कि ये सचमुच के सोने का बना हुआ सी हॉर्स है। रह गए नहीं आंखें फटी की फटी। दरअसल एक लाइट इम्पेटिंग जेलीफिश के जीन्स को रियल गोट से मिक्स करके एक सब्सटेंस बनाया गया है और उसे इन सौ हॉर्सेज में इंजेक्ट कर दिया गया। ये सचमुच ही चमत्कार हो गया, ये बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगे। इतना ही नहीं, इनके बच्चे भी इस तरह का गोल्डन अपीयरेंस लेकर पैदा हुए। इंसान भी सचमुच चमत्कार करने के मामले में नेचर से जरा भी पीछे नहीं है। नंबर 4, पिंक ग्रास हॉपर। ये कीड़ा देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। गुलाबी टिड्डा, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि टिड्डे गुलाबी भी हो सकते हैं। सबसे पहले जिस टिड्डे की तस्वीर दिमाग में आती है वो घास में छुपा हुआ हरे कलर का टिड्डा होता है, मगर इसे तो देखिए, पिंक ग्रास होपर। वैसे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है। साइंटिस्ट मानते हैं कि पहले ग्रास होपर पिंक ही हुआ करते थे, मगर वे शिकारियों की नजरों में आसानी से आ जाते थे, इसी वजह से धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे और अब उनका कलर हरा हो गया है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये किसी जेनेटिक डिफॉर्मिटी के चलते होता है। खैर सच जो भी हो, देखने वालों के लिए तो चमत्कार ही है। नंबर 5, डबल मसल डॉग। वैसे तो टिप्टिन मास्टिफ और पिटबुल जैसे बीट कुत्ते बहुत मस्कुलर और मजबूत होते हैं, मगर बिपिड नाम की इस बीट कुत्ते का मस्कुलर होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2007 से पैदा हुई इस कुतिया का नाम वेंडी है और किसी डिफॉर्मिटी के चलते इसकी बॉडी इस तरह मस्कुलर हो गई। नॉर्मली बिपिन डॉग बीट्स का वजन 19 किलो के आसपास होता है, मगर इसका वजन करीब 27 किलो हो गया था और इसीलिए इसे डबल मसल डॉग कहा जाने लगा। बेचारी इतनी परेशान थी कि ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी, यहाँ तक कि उसे मुड़ने में भी दिक्कत होती थी। अनफॉर्चुनेटली 14 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। नंबर 6, वन आई गॉट। अब जरा इस चमत्कारी एक नजर वाली बकरी पर नजर डालिए, इसके बारे में क्या कहेंगे। ये बकरी असम के गांव में पैदा हुई थी। इसके शरीर में कई सारी गड़बड़ियां थी, जैसे कि इसका दिमाग 2 हिस्सों में डेवलप नहीं हुआ था और इसी वजह से इसकी एक ही आंख थी और उस पर भी पलकें नहीं थी। एक अनडेवलप्ड नाक की और अजब सा जबड़ा। इतनी सारी कमियों के चलते बेचारी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाई और केवल 8 दिनों में ही भगवान के पास वापस चली गई। मगर ये जरूर साबित कर गई कि नेचर अपने चमत्कारों से आपको कभी भी चौंका सकता है। नंबर 7, व्हाइट एलिगेटर। इससे ज्यादा अजीब मगरमच्छ मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब एक एलिगेटर पूरा का पूरा सफेद पैदा हुआ हो। दरअसल ऐसे मगरमच्छ के स्किन में मिलमिन पिगमेंट नहीं होता जो स्किन को डार्क कलर प्रोवाइड करता और हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। जो डार्क कलर के भद्दे से भयानक एलिगेटर होते हैं वे तो अपने आप को सराउंडिंग और पानी में आराम से छिपा लेते हैं ताकि शिकार करने में आसानी हो, मगर इन बेचारे व्हाइट एलिगेटर के साथ इनका कलर धोखा कर जाता है
और इसलिए जंगल में ऐसे एलिगेटर्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ज्यादा जी नहीं पाते। हाँ, अगर ये जू वगैरह में ये लोगों द्वारा बिल्कुल हीरो की तरह ट्वीट किए जाते हैं। नंबर 8, ह्यूमन फेस्ड गॉड। आपने बकरी जैसे दिखने वाले लोग तो जरूर देखे होंगे, मगर क्या इंसान के जैसा चेहरे वाली बकरी देखी है कभी? जी हाँ, नेचर ये चमत्कार भी कर चुका है। ये देखिए, गुजरात के सेल्टीपाड़ा गांव में पैदा होने वाली ये बकरी बिल्कुल इंसान की तरह चेहरा लेकर पैदा हुई थी। लोगों ने इसे भगवान का अवतार समझा और पूजा करने लगे। इस बकरी के चेहरा ही इंसानों की तरह नहीं था, बल्कि इसकी पूंछ भी नहीं थी। खैर, ये बकरी केवल 10 मिनट के लिए ही जीवित रह सकी, मगर इन 10 मिनटों में ही उसने इतिहास बना दिया। नंबर 9, 8-legged गोट। इस बकरी को ऑक्टो गोट कहा जाता है। लगता है कि मैडम उसी गोट से रेस जीतना चाहती थी और इन्हें किसी ने बता दिया होगा कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैरों की जरूरत पड़ेगी, तो ये अपने साथ 4 एक्स्ट्रा पैर ले आई। क्रोएशियन फार्म में पैदा हुई इस बकरी की सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस बकरी के पास मेल और फीमेल दोनों प्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी ये बकरी मर्द भी है और औरत भी। अब बताइए, नेचर के इस चमत्कार के आगे श्रद्धा भाव से झुकने के अलावा कोई चारा बचता है क्या हमारे पास? नंबर 10, 2-headed पिक। अब जरा इससे देखिए, इस पिक की 3 आंखें, 2 नाक और 2 मुंह है। कितना अजीब लग रहा है ना? ऐसे चमत्कार हजारों सालों में एक ही बार होते हैं। ये प्यारा सा पिक चाइना में जन्मा है और बहुत ही जल्द ही अपने गांव का हीरो बन गया है। लोग दूर दूर से इस कमाल के क्रिएचर को देखने आते हैं। इस पिक के साथ सर्वाइवल को लेकर कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके पास एक ही दिमाग है और डिसीजन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। ये भी सामान्य पिक की तरह उछलता कूदता और मस्ती करता। इसका खाना पीना भी सब भी नॉर्मल ही होता है। नंबर 11, 2-faced कैट। ये देखिए, 2 चेहरों वाली बिल्ली। ऐसा बहुत रेयर होता है जब 2 चेहरे वाली बिल्ली पैदा होती है। ऐसी 2 चेहरे वाली बिल्ली को जेनिस कैट्स कहा जाता है। ये नाम लिया गया है रोमन गॉड जीनस से। माना जाता है कि जेनस के 2 चेहरे थे, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2 चेहरे होना सर्वाइवल को कठिन बना देता है और नॉर्मल से डिसीजन भी मुश्किल हो जाता है। इन बिल्लियों को भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। खैर, इनकी मस्ती करने में कोई कमी नहीं आती। और फ्रैंक और लॉरी नाम की ये 2 चेहरों वाली बिल्ली ने तो सबको चौंका दिया था। ये करीब 15 सालों तक जीवित रही थी। नंबर 12, क्रूक्ड नेक जिराफ। लीजिए मिलिए जेमिना से। इसकी गर्दन देखिए जरा, ऐसा लगता है कि जैसे बीच में से टूट गई हो। जिराफ दुनिया के सबसे लंबे जानवरों में से एक है और इनकी गर्दन की लंबाई के मुकाबले तो कोई टेक ही नहीं पाएगा, मगर इस जेमिना की गर्दन को क्या हो गया? लगता है कि इसकी गर्दन अपने सर का वजन नहीं उठा पाई और बीच में से टूट गई। खैर, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इनकी गर्दन की हड्डी अपने आप ही 90 डिग्री टिल्ट होकर बढ़ने लगी और इसकी वजह से ये जिराफ बहुत स्पेशल हो गई। साइंटिस्ट इसकी गर्दन की ऐसी ग्रोथ का एग्जैक्ट रीजन पता नहीं कर पाए हैं। नेचर के ऐसे चमत्कार हजारों सालों में एक बार देखने को मिलता है। नंबर 13, स्नेक विथ लेग्स। ये सुनने में भले ही असंभव लगे कि पैरों वाला सांप भी होता है, मगर ये सच है। जर्मनी के एक प्रोफेसर डेविड मार्टिल ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सांप का एक ऐसा फॉसिल खोजा था जिसमें सांप के 4 पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वैसे भी साइंस ये दावा पहले भी कर चुका है कि एक जमाने में सांप के भी पैर हुआ करते थे, इसलिए पैरों वाले सांपों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। वैसे सोच कर देखिए कि सांप रेंगने के बजाय दौड़ लगाए तो कितने अजीब लगेंगे। नंबर 14, 2-headed टर्टल। 2 मुंह वाले सांपों के बाद अब बात करते हैं 2 मुंह वाले कछुओं की। देखिए तो इसे कितना प्यारा सा दिखता है ये। पहली झलक में देखने पर तो दिमाग इस पिक्चर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ये क्या देख लिया, ऐसा भला कहीं हो सकता है क्या? लेकिन मेरे दोस्त, ये कोई एडिटिंग नहीं बल्कि पूर्ण सत्य है। हाँ, साथ ही हम ये बात कहेंगे कि 2 मुंह वाले कछुओं का पैदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कछुए दुनिया में सबसे ज्यादा सालों तक जीने वाले प्राणी होते हैं और इसलिए इनका शरीर भी बहुत बड़ा और भारी हो जाता है, मगर ये 2 मुंह वाले कछुए साइज में बहुत छोटे होते हैं और वही 2 दिमागों के कारण होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की कहानी इनके साथ भी घटती है। इसमें चलने फिरने, तैरने, खाना खाने और भी बहुत सी सिंपल काम करने में भी परेशानी होती है और इसीलिए इनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा नहीं होता। नंबर 15, 2-headed स्नैक। अगर कोई कहे कि हमने 2 मुंह वाला सांप देखा है तो इसे गप्पेबाजी मत समझ लीजिएगा। हो सकता है कि वो सच कह रहे हों। इस दुनिया में 2 मुंह वाले सांप भी होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसे ऐसे सांप बहुत रेयर होते हैं। देखिए तो जरा इस सांप को। जी हाँ, ये जीवित है और बिल्कुल असली है। 2 मुंह वाला ये सांप बाकायदा रेंग भी सकता है, दोनों मुंह से जुबान भी निकाल सकता है
और जहर भी उगल सकता है। बस इस बेचारे की एक समस्या है, इसके पास दिमाग दो है और बॉडी एक, इसलिए दोनों दिमागों में अक्सर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि किधर जाएं, क्या खाएं, दुश्मन से कैसे बचें और शिकार पर वार कैसे करें। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये चमत्कारी सांप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।